बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GDS स्टूडेंट रियाजी साइंस ग्रुप 9th क्लास। तो आज इसकी जो हमारी एक्सरसाइज है जी, वो है 3.1। कह रहे हैं कि मंदरजल आदात को साइंसी तरकीब में लिखिए। तो इसमें स्मार्ट सिलेबस में आपके जो सवाल शामिल हैं वो दो हैं, इसमें जुस नंबर 4 और 5। और इसी तरीके से आपका जी दो सवाल नंबर 2 जो है उसका जी जुस नंबर 2 और 3। तो इसको हम हल करते हैं जी। चले जी देखते हैं जी कैसे हल करना है इनको जी। जी भाई, अच्छा भाई, ये 416.9 लिखा हो तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसका इशारिया हम ख़त्म करते हैं जी। इसका इशारिया अगर हम ख़त्म करते हैं तो 116.9। अब इस इशारिये की जगह 1 आएगा और जितने हिंसे इस तरफ होंगे उधर ही 0 होंगे। तो ये हमारे पास हो गया 4169 और बटे हो गया जी 10। ओके हो गया। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे थे इसके जी, जब भी हम इसको असास 10 में लिखेंगे यानी कि साइंसी तरकीब में लिखेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि एक दर्जे के बाद इशारिया जी। ठीक हो गया। बाकी है जी 1, 6 और 9। ठीक है। अब अशार ज़रब अशारिये की जगह 1 आ गया, बाकी कितने इनसे 1, 2 और 3, 3 0 हम लगा देंगे जी। ओके हो गया। और ज़रब जो बटे में था ना, इसको लिख देंगे 10^-1। ओके जी। इसके बाद देखिए जी अगला स्टेप, ये लिखेंगे जी 4.169 ज़रब 10^3, ये है जी 3-1। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे जी 4.169 ज़रब 10^3, 3 में से 1 निकाला तो 2 जी। जी भाई, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे है 8300। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें आलरेडी इशारिया दाद है, लहजा 1 दर्जे के बाद हम लगाएंगे इशारिया जी। ये इसको असास 10 में लिखने का तरीक़ेकार है जी। ठीक है, साइंसी तरकीब में लिखने का ये तरीका है। तो 1 दर्जे के बाद इशारिया, बाकी है जी 3 0 0। ठीक हो गया। ज़रब अब क्या करेंगे जी, इस इशारिये की जगह 1 आ गया, बाकी कितने इनसे हैं 1, 2, 3, तो 3 0 आ जाएंगे जी। आगे भी देखिए, यहाँ पर 1 0 और है जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 0 और बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी हम 1 0 और बढ़ाएंगे जी। ठीक हो गया जी, ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब ये जो इशारिये के बाद 0 होती है, इसकी वैल्यू नहीं होती, ये डी वैल्यू होती है। 8.3 ज़रब 10^3 1, 2, 3, 4 10^4, ये आपका आंसर हो गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी अगले सवालात। जी भाई, मंदरजा ज़ैल को आम तरकीब में लिखिए। तो ये लिखा हुआ है, ये किस में है जी, साइंसी तरकीब में। इसको हमने तब्दील करना है इसमें, यानी कि ये आम तरकीब है, इसको हमने किया है साइंसी तरकीब में। अब ये हमें ऑलरेडी साइंसी तरकीब में दिया हुआ है, इसको हमने आम तरकीब में लिखना होगा जी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि 5.06 ज़रब 10^10। ठीक हो गया। अब इसका हम सबसे पहला काम क्या काम करते हैं, इसका इशारिया ख़त्म करेंगे। बटे में आ गया, इशारिया की जगह 1, बाकी जितने इनसे होंगे 0 आ गया जी। अगले स्टेप पे ये होगा जी 506 ज़रब 10^10 ज़रब 10^2। ठीक है। तो ये 10^2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका कुव्वत नुमा माइनस में हो गया जी। ठीक है। अगले स्टेप पे 506 ज़रब 10^10, अब ये भी 10 है, ये 10 है, इनके कुव्वत नुमाओं को आपस में जमा करेंगे जी, हल करेंगे। तो ये 10-2 तो बराबर आ गया जी 506 ज़रब 10^10 में से 2 निकाला तो 8 आ गया जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे 506,
अब जर्ब है 10 की पावर 8, इसका मतलब क्या हो गया, जर्ब मैं हर स्टेप कर रहा हूँ भाई, ठीक है, 10 की पावर 8 है, लिहाजा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 लगा देंगे जी इसको। और जब इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा 5 0 6, आगे 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये भी इसका दूसरा सवाल, तो इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो पहला क्या काम करेंगे जी, 9.018 ज़रब 10 की पावर -6। अब इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इशारिया की जगह एक, बाकी जितने हिंसे होंगे उतने ज़ीरो होगा जी। अब हमारे पास रकम आ गई 9018/10 की पावर 1, 2, 3 हो गया जी, ज़रब 10 की पावर -6 जी, ओके हो गया। आगे जी, 9018/10 की पावर 3। अब जब ये नफी में है, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब क्या होगा कि इसको लिखेंगे ज़रब 1 बटा, क्योंकि नफी में आई है कुवतनुमा, ठीक है, ये बटे में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 6 जी। अगले स्टेप पे 9918/, अब ये नीचे वाले कुवतनुमा आपस में जमा, 3 जमा 6 जी। अगले स्टेप पे 9018/10 की पावर 6 और 3 9 हो गया जी। मैं हर स्टेप आपको करके दे रहा हूँ, मैंने कोई स्टेप मिस नहीं किया जी, ठीक है, हो गया। लिहाजा हालांकि ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो सकता है, 9018/, अब ये 10 की पावर 9 है तो लिहाजा 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके हो गया जी। अब इस रकम को इस पर तकसीम करना है, अब इसके लिए क्या करेंगे, इतनी बड़ी रकम को, इस छोटी रकम को इसका ऊपर तकसीम करने के लिए मुश्किल होगी, लिहाजा आसान सा टिप दे रहा हूँ। अब देखिए जी, पहला इंसान ये वाला है, इस 0 की जगह ये 8 आ गया जी, और इस 0 की जगह 1 आ गया जी, इस 0 की जगह 0 आ गया जी, और इस 0 की जगह 9 आ गया जी, क्लियर। बाकी बच गए जी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, और 1 की जगह इशारिया जी, क्योंकि 1 की जगह हम इशारिया लगाते हैं, ठीक हो गया, जैसे ये हमने इशारिया था ना, इसकी जगह ये लगाया, बाकी जितने इनसे थे उतनी 0 लगा दी, बात समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से ये पहले इनसे की जगह ये 0 की, इस 0 की जगह ये पहला इंसा, इस 0 की जगह दूसरा, इस 0 की जगह तीसरा, इस 0 की जगह चौथा इंसा जी, बाकी बच की हमारी 5 0, ये 5 0 इधर लगा कर आगे इशारिया लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया जी, बेहतरीन तरीका है इसको हल करने का जी, ओके हो गया जी। लो जी, ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 3.1, जो कि हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सवालात थे उसको हमने हल कर दिया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए, और किसी बात की समझ ना आई हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।